हेलो एवरीवन, टुडे इज बीच डे। आज हम लोग आए हुए बीच पे, और बीच नहीं है एक्चुअली, ओशन व्यू है। और यहाँ पे भी इन्होंने छोटा सा पेटेड फ्रांस बनाया हुआ है। बड़ी मज़े की बिल्डिंग्स थी उसकी, मैं कुछ पिक्चर्स बीच में ऐड कर दूँगी। मैंने वीडियो नहीं बनाई, बच्चों के साथ बंदा घूमे वीडियो बनाए क्या करे। तो हम लोग यहाँ पर फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर भी व्यू एंड पाइन ट्रीज एंड सारा कुछ है। तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पाशा सलीम खाना खाने, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और फिर हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिलहाल तक ये प्लान है। यहाँ पे जगह जगह पे ना ये मशीन्स लगी हुई हैं, सॉर्ट ऑफ बनी मशीन जो कैट को फीड करती हैं। कैट बैठ के खाना खा रही है। यहाँ पे कुत्ते हो जाएँ बिल्लियाँ हो जाएँ, सबकी इतनी केयर करते हैं ये लोग। कैफेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह पर भी बैठे होते हैं। तुर्की में ना कॉर्नस बहुत मज़े के थे। यहाँ से हम लोगों ने बॉयल कॉर्न लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 घंटे स्पेंड किए। और इसके बाद हम लोग के खाना खाने, जो खाना खाने में जानता हूँ, तो यहाँ से जगह थोड़ी सी दूर थी। यहाँ के कोफ्ते बहुत फेमस थे, तो हम लोगों ने खाना यहाँ पे खाया, कुछ शोरबा वगैरह एंड राइस एंड कोफ्ते। हम लोग सुबह सुबह घर से निकल आए थे क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, हम लोगों को कैपेडोशिया जाना था। रास्ते में हम लोग रुके स्पंजा लेक। अभी ये जो है दिस इज पिंकी, दिस इज पिंकी, ओके, शी वांट्स स्पून, दिस इज हर हाउस, शी इज गोइंग टू हर हाउस। रात का खाना हम लोगों ने स्पंजा लेक खाया। ये जो खाना है ना बहुत ही चीप था और बहुत ही मज़ेदार था। तुर्की के खाने बहुत अच्छे थे। और उसके बाद हम लोगों ने ली कॉफ़ी, ये तुर्किश टी है, कोई कॉफ़ी नहीं है खैर। और ये था हमारा विला जो हमने बुक किया था एक रात के लिए। काफ़ी हमें चीप पड़ा था क्योंकि हमने ऑन द स्पॉट देख के बुक किया था, हम लोगों ने लाइक किसी भी जगह की ना प्री बुकिंग नहीं की थी। तो अभी तक ना सब कुछ बहुत मज़े करा है तुर्की में। और अभी हम लोग जा रहे हैं कैपेडोशिया कल, यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम गुजारेंगे और फिर हम लोग आगे जाएंगे। केबल कार से ऊपर जाते हुए ना आप पूरा स्पंजा देख लेते हो, लाइक आपको सारा व्यू नज़र आ जाता है यहाँ से। हम लोग लेक पे नहीं गए थे, लेक पे जाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। और वापस आते हुए ना ये टॉप पे एक शॉप बनी हुई थी जो कि ट्रेडिशनल शॉल्स वगैरह और कैप शॉल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। कैपेडोशिया बहुत रात को पहुँचे, तकरीबन 11 बजे हम लोग पहुँचे थे रात को। और जो हम लोगों ने कमरा बुक किया था ना, वो इतना लाइक क्रीपी था ना, वहाँ पे स्केलेटन और इस तरह की चीज़ें, जैसे वो जादू टूने करने वाले लोग नहीं होते वैसी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। और माँ भी लोगों ने तो जाके वहाँ पे डम डम शुरू कर दी थी, बट अच्छा था, अच्छा था रूम। बजे हैं सुबह 4:30, हम लोग शूट वाली गाड़ी थी ना उसने सुबह 4:30 बजे पिक कर लिया था। लाइक मुझे ड्रेस चेंज करने में और तैयार होने में ज़्यादा घंटा लग गया था, 5 बजे घर से निकल आए थे। कि जो हॉट एयर बलून वाली राइड होती है ना, 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है फ्लाई होना। हम लोगों ने राइड नहीं ली थी बिकॉज माफी ने अभी अंडर एज थी, 6 साल का बच्चा राइड ले सकता है हॉट एयर बलून। तो हमने वो नहीं लिया था, जब हमने कॉन्सेप्ट व्यू कर लिया था और 3 पेशेंट थे हमारे लोग, एक ये थी एक और थी और एक तो थेरिंग वगैरह उड़ना शुरू हो गए थे यहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे फोटो शूट के लिए। इस राइड के आई थी $200 आई थी इसके चार्जेज हैं, लेकिन हमने बुक नहीं की तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। हमने फोटो शूट बुक किया था जो कि था €200 या $200, आप उनको पे कर सकते हो। ये हमेशा ना डॉलर एंड यूरो में मैंने एक्स्ट्रा से ड्रेस भी इन्हीं की तरफ से था, लाइक ड्रेस इन और 3 लोकेशन थी और 1 घंटे का फोटो शूट किया। मैंने ये ड्रेस चूज़ की थी और यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कि फ़ोटो शूट कर रहे थे। और कुछ लोग ना यहाँ पे ब्राइडल शूट भी कर रहे थे, लाइक इतनी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइड्स आई हुई थी। अब उनमें से आई थिंक एक ही एक्चुअल ब्राइड थी और बाकी जो थी ना वो लोग सिर्फ शूट के लिए आए थे। उन्होंने वाइट जो ब्राइडल ड्रेसेज होते हैं ना, आप देख सकते हो ये वाली, ये एक्चुअल ब्राइड थी। बाकी लोगों ने जस्ट ना वो ब्राइड वाले ड्रेसेस पहने हुए थे और वो शूट कर रही थी। लेकिन मज़े का एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा ये।
इस जगह पे सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है तो बच्चे कार में थे, तो यहाँ पे लुक साइड थी तो इतनी सर्दी नहीं थी। ये हमारी थर्ड लोकेशन की फोटोशूट थी, सेकंड वाली भी ना वैसी ही थी जैसे वो बाहर वाली पहली लोकेशन थी। तो फोटोशूट के बाद हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने, बहुत सारे होटल्स खुले नहीं हुए थे, हमें कुछ लोगों का पता भी नहीं था बिकॉज हम लोग यहाँ पे अकेले थे, फैमिली हमारी ना अंदर रुक गई थी। तो यहाँ से नाश्ता करके हम दोबारा गए अपने होटल, और ये हमारे होटल के ना बाहर का जो सेटअप है बैठने वगैरह का वो था, और ये इसकी एंट्रेंस थी। महावीर को हॉर्स राइडिंग करनी थी तो मैंने और महावीर ने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की, और इसके बाद हम लोगों को जाना था एक वैली, आई थिंक वो इल्हारा वैली थी। और कैपेडोशिया में ना आपको सारे केव होटल्स मिलेंगे, लाइक कुछ ज़मीन के अंदर उन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन ये आई थिंक यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको वोल्केनो फटा था तो उसके बाद ये सारी पहाड़ियाँ बनी थी जो इसकी हिस्ट्री है। तो इन्हीं पहाड़ियों में इन्होंने खोद खोद के ना सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना इसकी ज़मीन के अंदर भी रेस्टोरेंट है और ऊपर भी रेस्टोरेंट है। इसके बाद हम लोग गए इल्हारा वैली, और वो जो वैली थी ना वो भी बहुत मज़े की थी, लाइक ये उसके रास्ते में कुछ जगह पड़ती थी और ये जो है ना ये एक्चुअल प्लेस थी जिसको इल्हारा वैली बोलते हैं। ये पहले तो हमें मिल नहीं रही थी, फिर हमने देखा कि ये इन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे खाने पीने की जगह है, और आई थिंक लेक तो ओरिजिनल ही थी, आर्टिफिशियल नहीं थी, बट ये सेटअप इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था। यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लिया, उसके अलावा उनको इतनी कोई ख़ास इन्जॉयमेंट वाली चीज़ नहीं दिखी थी यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं मम्मी, तो वो चला गया यार, दैट साइड एल्मी, दैट साइड फिनिश। Abhi, sit down, don't jump. Abhi, sit down, beta, don't jump. No jumping. Ya na, ye dar jayega. और वहाँ से हम तैयारी करेंगे उम्रा पे जाने की, तो नेक्स्ट